हम हो चुके हैं रेडी। देखिए अब हम जा रहे हैं जिती, यहाँ से लगभग 34 किलोमीटर दूर है जिती। हमें समय लगेगा करीबन 1 घंटा 5 से 10 मिनट, अगर हम जल्दी जाए तो 1 घंटा हम आराम से जाएंगे। हमारा सेवाकाई शुरू होगा 11 बजे से, तो हम निकलते हैं दोस्तों, मिलते हैं रास्ते में, बाय बाय। ले गाड़ी का हॉर्न सेस, इसका मतलब चूहा ने गाड़ी का हॉर्न काट दिया है, हो गया तो खेला खत्म। हॉर्न नहीं बज रहा है इसका मतलब गाड़ी ने चूहा ने बर्बाद किया। देखते हैं, तो मेरा हॉर्न ठीक हो चुका है। दरअसल चूहा ने तार नहीं काटा था, कहीं ना कहीं मुझे भी संदेह हो चुका था कि कहीं फ्यूज कट गया था। तो जो हॉर्न का जो फ्यूज होता है, जो मेरा स्टीयरिंग के नीचे होता है, वो फ्यूज कट गया था। तो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए भी, कभी अगर आपका गाड़ी का हॉर्न नहीं बज रहा हो, पहले तार चेक कीजिए, अगर लाइन ठीक है, करंट आ रहा है, आपका बल्ब जल रहा है, तब तो फिर आपका करंट ठीक है। तो आप चेक कीजिएगा, गाड़ी के नीचे एक फ्यूज बॉक्स होता है, वहाँ फ्यूज चेक कर लीजिएगा। हॉर्न का फ्यूज वो चला गया था, वो लगाया बस, ओके। मैं भाई को मीठे खाने के लिए 50 रुपये दे दिए। तो अभी हम पहुँचे, चल ये है चलसा, चलसा में अभी लगा है ट्रैफिक जैम, ये खुला ट्रैफिक, चलते हैं फिर आगे। टाइम हुआ है अभी 10:15, तो थोड़ा लेट हो सकते हैं हम आज 45 मिनट में। अभी यहाँ से और करीबन 29 से 30 किलोमीटर है, तो हम आशा करते हैं हम पहुँच जाएंगे। शायद मीटर जगह खाली हुआ है या फिर बात होगा। मौसम बहुत बढ़िया आज, तो पिछले बार जब हम गए थे बहुत ही ज़्यादा गर्मी और धूप था, आज बिल्कुल ही मौसम अच्छा है। बादल में, आकाश में बादल छाया हुआ है, छाई हुई है, तो इसलिए आज ज़्यादा गर्मी नहीं है। हम एसी भी नहीं चलाए हैं, तो देखते हैं कितना बजे हम पहुँचते हैं। हमें 11 बजे तो पहुँचना है, क्योंकि 11 बजे से हमारा आज का सेवा कार्य शुरू हो रहा है। लेकिन थोड़ा गाड़ी घर से भी लेट से निकले और रास्ता में हॉर्न भी बनाया, तो इसलिए थोड़ा समय काम था। जस्ते गर्म में ये बात आया, ठंडा भैया जो जंगल जंगल है। तो अभी हम घुस चुके हैं नगराकाटा, अभी हम यहाँ से और करीबन 18 से 20 किलोमीटर होगा, यस, तो समय लग सकता है और भी 25 मिनट लगेगा यहाँ से। ये है आपका नगराकाटा का मेन पुलिस स्टेशन एरिया है, यहाँ दे रहा है आपको, यहाँ से राइट तरफ, यहाँ से राइट आपका पुलिस स्टेशन है। ये नगराकाटा का मेन बाजार यहाँ पर लगता है सोमवार का दिन। नगराकाटा का एकमात्र पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम, यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट, तो फिर आप, तो फिर हम जा रहे हैं थालझोड़ा, सुखापाड़ा, ओ बगान, जीती बिन। तो ये है आपका जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो ओवर ब्रिज है रेल का, यहाँ अगर आगे जाके हम राइट जाएंगे तो आपको मिलेगा रेलवे स्टेशन। चूंकि लेफ्ट हम जा रहे थे जी, हेलो बाबू, साइड 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 साइड। सिविल पुलिस को भी लगाया है यहाँ पर। भाई जुबू कहाँ गया, जुबू जुबल, अरे बीच में खड़ा हो तब तो आएगा ब्लॉक में, बीच में खड़ा हो ना, कल का जैसा। आज मजा नहीं आ रहा है, नींद लग रहा है आपको आज। हम कहाँ जा रहे हैं, बोलियो, बोलो बोलो सुबह, हम कहाँ जा रहे हैं आज, हाँ ब्लॉक में सुनाई नहीं दे रहे, थोड़ा धीरे बोलो और। दीती, दीती नहीं जीती,
हम जा रहे हैं जीती भूटान बॉर्डर, ठीक है। हमको पहुंचना है 11 बजे, हम शायद पहुंच जाएंगे, है ना बीबी? आज हम आराम से जा रहे हैं क्योंकि तड़ाहड़ा नहीं करना ठीक नहीं है। भले ही 2 मिनट लेट से पहुंचे लेकिन सेफली पहुंचना बहुत जरूरी है। हम समय पर ही निकले थे लेकिन क्या हो ना, वो रास्ता में हॉर्न, जब घर से जब गाड़ी स्टार्ट किया तो हॉर्न नहीं बज रहा था। अब मैंने पूरा सूट बूट लगाया हूँ, व्हाइट शर्ट, अगर मैं नीचे घुस गया तो फिर मेरा कपड़ा गंद हो जाएगा, इसलिए मैं गया गैरेज में। मुझे पता था फ्यूज कटा है तो फ्यूज चेंज किया, वहाँ से बस 5-10 मिनट वहाँ रुकना पड़ा, उसके बाद फिर हम निकल गए। तो अभी हम मोटा मोटी चंपामारी हम पहुँच चुके हैं। चंपामारी से तो फिर आप आ जाएगा नया सैनी से ओ बगान से जीती से फिर हम बॉर्डर पहुंच जाएंगे। 20 मिनट और मिलते हैं रास्ता में और आगे का सीन देखिए। बहुत बढ़िया, आज वो कड़क धूप नहीं लग रहा है जैसे कि पहले लगता था। आज थोड़ा मानी लाइट, आज का जो सूर्य का जो तेज है वो थोड़ा धीमा है, मानी क्या बोले उसको, पावर आज कम है। ब्लॉग बनाने का मन किया था लेकिन नहीं किया, बहुत ज्यादा गर्मी था। विशेष बात सामिल होना आउनुभएका मण्डली का सम्पूर्ण सदस्यगण, मित्रगण, अनि हाम्रा छिमेकी, अनि हाम्रो दिदीको रिश्तेदार जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई ख्रिस्ट यीशुको नाउँमा म जयमसी, अनि हाम्रो दिदीको स्मृति सभा लगायत हामी धन्यवादको यस दिनलाई सबैभन्दा मिठो शब्द चाहिँ धन्यवादको सेवकाई भनेर भनिन्छ। सेवा खत्म हो चुका है, धन्यवाद का सेवा। उसके बाद हम आए हैं भूटान बॉर्डर घूमने के लिए। हम उधर भूटान तरफ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा फेंस लगाया हुआ है, देखिए। तो ये है हमारे मंडली के कुछ माँ और यूथ। तो ये है भूटान, वो जो दिखाई दे रहा है ये आपका भूटान, इधर गोला बाजार पड़ता है, शिप्सु इधर ही पड़ता है। सो हियर कम्स आपका दोस्त, आपका भाई, आपका काका, आपका मामा देव कुमार राय। वो चल रहा है इधर, फोटो खींच रहे हैं इधर पूरा। हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर में ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, जो मेरा पीछे दिखाया जा रहा है भूटान पड़ेगा, ये सब दिस ऑल आर भूटान। गिर मत जाइयो, थोड़ा सावधान से, क्योंकि बारिश हुआ है ना तो थोड़ा पत्थर स्लिप भी हो सकता है। ध्यान से बाबू। ये रहा भूटान, ओके। अगर हम इस साइड आएंगे कत्ता गए, हियर कम्स इंडिया 25x1। अब मैं जाऊंगा भूटान में। ये आया मैं भूटान। तो ये अभी खड़ा है बॉर्डर में। चलो दोस्तों चलते हैं, हम बहुत बार आए हैं यहाँ पर इसलिए बहुत बार फोटो भी खींच चुके हैं।
चलते आगे कड़ा के दस यहाँ इंडिया पाकिस्तान को खेला के कुरा कहले भोलि नेपाल आउट चलो राम 230 को ये देखा था टारगेट 230 का टारगेट दिया थे इंडिया टफ टारगेट राम्रे अब टारगेट देखो नि त्यतिको हैन भन्नुस् त जय नेपाल जय भारत जय नेपाल अब त इंडिया भन्न पाउँदैन जय भारत चलो गुड लक इंडिया नेपाल नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा मेहनत कीजिएगा आप जरूर एक दिन टॉप वन में जरूर पहुंचेंगे तो ये है घर दिस इज द होम ओके खुशी खुशी रहता छन यहाँ जाना सारा दुख लगी कहीं छेन हमी इसी गफ गए बसि हाई कोई यहाँ लुड्डू खेलते बसि कसले जित्न आट्यो क्यामेरा अन हुने बित्तिकै मान्छेहरू किन चुपचाप भएको होला नि गएर छिटो आइजा कस्तो मेरो त ब्लग हेरिस भने चाहिँ त छिटो आइजा है के भन्छ त अविनाश हजुरले नि बिहा गर्नुभएको छ त अन्त 5 महिना 6 महिनाको एक्सपिरियन्स छ होला त भन्नुहोस् न यसो 5 महिना 6 महिनाको एक्सपिरियन्सले त के हुँदैन होला त्यही पनि त के सिक्नु भयो 5 महिनाको भन्नुहोस् न 5 महिनाको एक्सपिरियन्स भन्नुहोस् त ल अलिकति सेयर गर्नुहोस् त त्यही पनि छैन 5 महिनामा केही भएको छैन ल ठिक छ राम्रो 50 वर्षमा पनि केही नहोस् केही नहोस् मतलब झगडा नहोस् भनेर तपाईँको एक्सपिरियन्स भन्नुहोस् खोल्नुहोस् न के अन्त दुइटै पक्ष यस्तै छ सबैको जिन्दगीमा नेगेटिभ पोजिटिभै हुनुपर्छ अनि मात्रै लाइफ हुन्छ बुझ्नुभयो झगडा आएन झगडा भएन भने त्यति भए कहाँ हो त झगडा भन्ने बित्तिकै मेरो हेर मोबाइलै बन्द भयो नि त सेवा थुर्यो सेवा थुर्यो र अब घर फर्किँदैछौँ हामी गाडी चाहिँ अलिकति हवाई राखेको छ कारण रास्ता थोडा खराब है यहाँ पर थोडा गड्ढा है गड्ढामै गाडी पार नै हो त्यसले थोडा आगे राख ड्युटी है 3 बजे अभी बज चुका है 2:10 हमें पहुँचना है 3 बजे चलो इसके कारण गाड़ी यहीं रखे गया था ये जो ऊंचाई है यहाँ पर गाड़ी लग रहा था और रास्ता भी थोड़ा ख़राब है यहाँ पर उधर भी गाड़ी चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसलिए गाड़ी वहाँ पार्क करके रखे गाड़ी ये है यहाँ की हैंगिंग ब्रिज करा था इसे ये लगाया मैंने प्रोटेक्शन फ्रॉम सन के लिए सो आई हैव केप्ट माय व्हीकल हियर गाड़ी का भी हॉर्न नहीं बज रहा है गाड़ी को हॉर्न बनाएको थे बाटा में बनाए आउँदा फिर बिग्रियो के सर्ट हुँदै होला सायद अब घर घर बनाउँछु अघि त त्यो फ्युज उडेको रहेछ फ्युज लगायो फेरि यहाँनिर त्यो थालझोडामा आउँदा त फेरि बिग्रियो कसरी परिचय परिचय कसरी गाउँबाट केटी तयार गर्ने शकुन्तलामा बाँच्ने काँसी गर्थे पहिला सेवा खत्तम भयो अहिले हामी फर्किँदैछ घर अघि यहाँ मेरो मोबाइल खराब भएर मैले भिडियो रेकर्डिङ गर्नु पाइनँ नयाँ गेस्ट जोडिनु भएको छ तुलसी दाजु
अघि जाँदाखेरि तपाईँले देख्नु भएको थिएन, फर्किँदाखेरि चाहिँ अहिले एकजना हामीसँग थपिनु भयो। हर्न चाहिँ फेरि बिग्रियो, हर्न बजेको छैन है। अघि फ्युज काटेर फ्युज लगायो, अहिले फेरि फ्युज काट्यो भने चाहिँ केही न केही डिफल्ट चाहिँ छ सायद। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो चार्जिङ पोइन्टमा चाहिँ अलिकति खराबी छ जस्तो लाग्दैछ। त्यो चार्जिङ पोइन्ट सकेट हाल्दाखेरि त्यो सर्ट हुन्छ त, सर्ट हुँदाखेरि त्यहाँ सायद त्यस्तो लाग्दैछ। अब देखाउनु पर्छ भने गएर। नमस्कार दोस्तो, यो है मेरा अफिस। मैं जीपी से सीधा घर आके गाड़ी रख के मैं सीधा ऑफिस आया हूँ। ये है मेरा ऑफिस, मैं आ गया हूँ ड्यूटी। चलो यार दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय, सी यू।